इसका रिसेप्शन जो है वो है 6th फ्लोर पे गाइस। जैसे कि यहाँ से ये जाएगा पूरा ऊपर मंदिर की तरफ। ये मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? अंदर की तरफ। माँ बाबा होटल एंड रेस्टोरेंट वर्थलेस, बिल्कुल जीरो। अभी यहाँ पे हम अपने जूते जमा कराते हैं। हिमाद्री शर्मा, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज गुवाहाटी में पहुंचने का जो दिन है वो जो दिन है 6th डे, आज जो है कि मैं जाऊंगा कामाख्या देवी मंदिर। लगा लो कि यार दिल्ली से लेके और अभी गुवाहाटी तक का सफर जो है मेरा कम से कम 2300 किलोमीटर का रहा है। पांचवे दिन मैं रात को पहुंचा, कम से कम रात को मुझको 12:15 तक मैं होटल के अंदर था। 11:30 मैं गुवाहाटी में पहुंच गया था। उसके बाद मुझे होटल वगैरह ढूंढना पड़ा। होटल वगैरह ढूंढ के मैं 12:15 तक होटल के अंदर आ गया। जो होटल है, होटल का नाम है होटल ओम रेगेंसी। काफी अच्छा होटल है। इसका रिसेप्शन जो है वो है 6th फ्लोर पे और जो मेरा रूम है वो है 1th फ्लोर पे। अभी आप सोच रहे होंगे 6th फ्लोर ऊपर होगा और 1th फ्लोर नीचे होगा, नहीं ऐसा नहीं है। 1th फ्लोर शायद बेसमेंट में है और 6th फ्लोर ऊपर है, रिसेप्शन पे है, ऐसा है कुछ। तो मैं आपको होटल दिखाता हूँ। ये पूरा होटल है, रिसेप्शन है, काफी अच्छा होटल है। अभी फिलहाल मैं देखता हूँ अंदर ब्रेकफास्ट, अगर कुछ खाने को मिल जाता है तो खाते हैं। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ अपना कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करके आता हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। और दूसरा है कि मोटू पतलू की बात रही, मोटू पतलू कम से कम नाना करते उनको टाइम लग जाएगा 3.5 से 4 घंटे। जैसे कि यहां से ये जाएगा पूरा ऊपर मंदिर की तरफ, जो नीलाचल पहाड़ के ऊपर स्थित मंदिर है। मैं रात को यहां से आया था। अपना होटल ये है सामने, तो यहां से नीचे बेसमेंट में है इनकी पार्किंग। अभी चलते हैं हम सीधा कामाख्या देवी मंदिर। गाइस जैसे कि मेरा होटल है बिल्कुल मंदिर के जस्ट 100 मीटर की रेंज में होगा। अभी मैं वॉक करके चल रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या बाइक उठानी, उसको भी रेस्ट देने दो, कल ही बेचारी ने बहुत मेरा साथ दिया यार। कम से कम लगा लो कि यार 14 घंटे चली है। होटल के बाहर निकलते ही काफी रेस्टोरेंट है, जैसे कि ये सामने देख सकते हो। तो अभी देखते हैं यहाँ कौन सा बढ़िया होटल और रेस्टोरेंट है और वहाँ पे खाना खाते हैं। मंदिर में देखता हूँ मंदिर कहाँ पे है। तो काफी टूरिस्ट भी आ रखे हैं यहाँ पे। ये मंदिर कितनी दूर है यहाँ से? अंदर की तरफ। और नीचे कुछ खाने पीने का होगा? यही है, अच्छा इधर ही है, ऊपर भी है। तो देख सकते हो यार कितनी भीड़ है यहाँ पे, काफी श्रद्धालु आ रखे हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए। मुझे लग रहा है कि अंदर काफी लाइन भी होगी। चलो कोई नहीं, अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे, लाइन हो जो मर्जी हो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है यार होटल में बैठने का, क्योंकि मोटू पतलू को आने आने में ही 4 घंटे लगने वाले हैं। तो क्यों ना अभी यहाँ पे हम मंदिर आके मंदिर देखें और मंदिर के दर्शन करें और आप लोगों को भी दर्शन कराऊं। तो ये है मंदिर के बाहर का नजारा। काफी मार्केट है यहाँ पे, सामने सारी मार्केट ही मार्केट है। तो अभी देखते हैं यार, पहले करते हैं पेट पूजा और उसके बाद करते हैं मंदिर के दर्शन। चलो यहीं चलते हैं, ये सामने है रेस्टोरेंट। तो अभी गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ होटल में, माँ बाबा होटल एंड रेस्टोरेंट। तो मेन बेसिकली यहाँ पे साउथ इंडियन फूड है, तो मैंने मंगवाया है अनियन उत्पम जो कि 100 रुपीज़ का है। तो अभी गाइस मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट रेडी। अभी माँ बाबा जो रेस्टोरेंट था यार, यहाँ पे मैंने मंगवाया था उत्पम, बट यार वर्थलेस, बिल्कुल जीरो टेस्ट, इतना मज़ा नहीं आया खा के, क्योंकि इनको बनाने नहीं आता यार। साउथ इंडियन फूड होता क्या है? तो जो मैंने उत्पम बनाया तो वो था इतना मोटा और इतना बढ़िया भी नहीं था। उत्पम होता यार पतला सा होता है। तो चलो एनीवेज, वैसे तो मैंने ब्रेकफास्ट करना था अपने होटल के अंदर, कि होटल का जो किचन स्टाफ है वो 10 बजे आता है और 10 बजे किचन शुरू होता है और 10 बजे मुझे ब्रेकफास्ट मिलता। तो मैंने सोचा क्यों ना यार बाहर कर लूँ, इसलिए मैंने अपने होटल में नहीं किया, बेकार ही हुआ ब्रेकफास्ट। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ। ये है मंदिर के बाहर का नजारा, मार्केट पूरी बनी हुई है यहाँ पे। इस तरफ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम अपने जूते जमा कराते हैं, स्पेशल जूते चप्पल रखने की जगह है। और यहाँ पे सामने आ गए मंदिर, यहाँ से अभी नंगे पाँव जाना पड़ेगा आगे। तो भाई शूज मैंने जमा करवा दिए हैं, अभी चलते हैं हम मंदिर के दर्शन करने। जैसे कि ये जो मंदिर है ये है सती माता का मंदिर। ये नीलाचल जो पहाड़ है उसके ऊपर स्थित है मंदिर। गुवाहाटी के अंदर है एक दिसपुर, दिसपुर के आगे है नीलाचल पहाड़ और वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। अभी चलते हैं सती माता के मंदिर दर्शन करने। जैसे कि आप देख सकते हो यार मंदिर के बाहर भी पूरी मार्केट है। आप प्रसाद वगैरह, चुन्नी वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ें यहाँ से ले सकते हो।
मंदिर में आगे चढ़ा सकते हो। फिलहाल मैं आ गया हूँ सती माता के मंदिर, ये सामने है सरिया का मंदिर। मेरे सामने खड़े हैं एक पंडित जी जिन्होंने ये मंदिर के पुजारी हैं और ये आपको बताएंगे यहाँ का इतिहास। तो मैं आपको इन्विटेशन दिलाता हूँ जो पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी आपका अपना नाम बताइए। हिमाद्री शर्मा। कुछ थोड़ा सा अपना मंदिर का इतिहास बताइए कि मंदिर कब स्थित हुआ है और क्या इसकी स्टोरी है। माँ का जो मंदिर है ये यूनिवर्सल मदर है, जो माँ का मक्या है, यूनिवर्सल मदर है। इनका कहाँ से शुरू हुआ ये तो कोई नहीं बता सकता है। ये समय के साथ, युग के साथ, समय आसार के साथ ये युगों से चलता आया एक परंपरा है। और इसमें यहाँ पे जो हम लोग सुना है, जो घटना बताते हैं, यही बताते हैं, जो सती, जो माता सती था, वो दक्ष राजा था। दक्ष राजा ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सती देवी का बहुत अपमान हुआ था। और सती देवी का अपमान होने के बाद शिव जी को जब खबर मिला और उसके बाद सती ने आत्म जा दिया और उसके बाद शिव जी ने आकर के वो जो कोलाप्स जो बदी था सती देवी का, वो उठाकर अपने कंधे में उठाकर उनको पूरा विश्व ब्रह्मांड में उसको सफर करने लगा। और उस वक्त पूरा ब्रह्मांड हिल गया था और उस ब्रह्मांड के विस्फोट से बहुत सारा खराब चीज होने लगा, ब्रह्मांड को एक डिसमेंटल हो गया। तो इसके बाद सती देवी का जो देह था, उस देह को 51 पार्ट्स में विष्णु जी ने उसको डिसमेंबर किया, उसको काट दिया। और जहाँ जहाँ पे ये जो पार्ट था, बॉडी का पार्ट जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ का उद्भव हुआ और उस शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव भी उद्भव हुआ। तो जहाँ पर ये शक्तिपीठ गिरा है, वहाँ वहाँ एक भव्य मंदिर, एक भव्य पीठ स्थान बना है। तो ये जो महा कामाख्या आप देख रहा है, ये कामरूप कामाख्या, ये कलियुग का स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग है कि यहाँ से उत्पत्ति होता है, यहाँ से कंट्रोल करता है पूरा विश्व ब्रह्मांड। ये जो माँ का जटी सती देवी का जो यौनि स्थान है, ये जो आप गर्भगृह, यहाँ पे जो माँ का मंदिर है उसका अंदर में गर्भगृह है, उस गर्भगृह में माँ का सती देवी का यौनि गिरा था और उसमें ही जब गिर गया, वहाँ पे ही माँ का जो भव्य मंदिर बना, वहाँ पे बना है। और यहाँ का जो भैरव माना जाता है वो है उमानंद, वो नदी के बीच में ब्रह्मपुत्र को बीच में उमानंद स्थित है और वो माता जी का भैरव है। ऐसे हम कामाख्या माई का जब पूजा करते हैं तो कामेश्वर और कामेश्वरी माई का भी पूजा करते हैं। जो मूर्ति दिखा, जो हम लोग अंदर में घुसने के बाद जो मूर्ति मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग कामेश्वर और कामेश्वरी। वो मूर्ति सलंता भी कहते हैं क्योंकि वो चलते रहता है, वो मूर्ति का समय समय पर भ्रमण होता है। तो उस मूर्ति का भी पूजा होता है और अंदर में जाकर के जो पीठस्थान मिलता है, वो गर्भगृह मिलता है, वो सती देवी का योनियन से, और वही जो तंत्र का सर्वपीठ, सबसे बड़ा जो तंत्र में पीठ है वो वही कामाख्या माई का पीठ है जो अंदर में स्थित है। ठीक है पंडित जी एक चीज और पूछनी थी कि जैसे कि यहाँ पे तांत्रिक वगैरह, जैसे शक्तियाँ वगैरह बहुत कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ वो दिन कौन सा होता है जिसमें बहुत, यहाँ पे कोई दिन नहीं है, यहाँ पे तंत्र का उत्पत्ति भी यहाँ से हुआ। तंत्र का जो भी सिद्धियाँ है यहाँ से ही मिलेगा। अच्छा, कोई दिन नहीं है, प्रत्येक क्षण यहाँ पे तंत्र का सिद्धि होता है, क्योंकि ये माँ का वही जगह है जहाँ से आपको कुछ भी सिद्धियाँ, कुछ भी अगर आपको लेना है तो माँ का मक्का में ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सिद्धपीठ और सबसे बड़ा तंत्र का पीठ यही है माँ का मक्का। ठीक है पंडित, धन्यवाद पंडित जी, आपने इतिहास के बारे में बता दिया, लोगों को जागरूकता मिलेगी और लोग आएंगे यहाँ पे। और एक चीज बोलते साथ आपका माध्यम से कि लोगों को भ्रमित ना करे, क्योंकि ये जो तंत्र है, ये कन्वर्सेशन है। तंत्र जो हम लोग जो सुनते हैं ना, देखो पंडित जी मैंने भी आगे सुना है, मैंने इसलिए हम आपको क्लियर कर देते कि तंत्र में भ्रमित ना हो। तंत्र जो है वो कन्वर्सेशन है, वो डायलॉग्स है, शिव जी और पार्वती जी का डायलॉग्स है। जो डायलॉग्स हम लोग बताते हैं, मतलब जो पढ़ा सुना है कालिका पुराण से हो, योगिनी तंत्र से हो, महानील तंत्र से हो, बहुत सारा तंत्र किताबें पुस्तक में वो भी मिलता है कि ये जो कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग है, जो शिव जी और पार्वती जी का जो डायलॉग है वही तंत्र है। मतलब आगम में क्या होता है, जो आगम है, जो तंत्र में वेदागम है, आगम है, उसमें क्या होता है, शिव जी प्रश्न का उत्तर देते हैं पार्वती जी को, पार्वती प्रश्न पूछते, पार्वती माए प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जवाब देते हैं शिव जी। तो कैसे ज्ञान मिलता है, ज्ञान कैसे मिले, उसको बोलते हैं तंत्र। और ऐसा नहीं कि तंत्र कोई क्रिया है, वो तो एक विद्या है, उसका एक पार्ट है। जो हम लोग विद्या सुनते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना, वो एक पार्ट है, वो एक विद्या है, लेकिन जो असल में तंत्र है, सभी चीजों में तंत्र छुपा हुआ है। क्योंकि आपको जानना है तो तंत्र सीखना पड़ेगा, मतलब तंत्र ये नहीं कि आपको क्रिया करने से ही तंत्र मिलता है। हर एक चीज को अगर आपको जानना है, आपको सोचना है, अपने आपको भी जानने के लिए तंत्र का प्रैक्टिस करना पड़ता है। अपना अंदर में भी ब्रह्मांड है, एक एक पूरा मनुष्य के अंदर में एक एक ब्रह्मांड है, तो वो ब्रह्मांड को जानने के लिए भी तंत्र प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो तंत्र मतलब ये नहीं कि आपने क्रिया किया या कुछ अघोरी, या आजकल का जमाने में तंत्र मतलब अघोरी दिखाता है, ये दिखाता है, लेकिन असल में वो तंत्र नहीं है।
वो तंत्र का एक पार्ट है, एक पहलू है, उसमें आप भ्रमित हो जाता है आदमी कि मतलब तंत्र मतलब जादू तोड़ना, ये बकरा बना देना, ये सब एक्चुअल में वो नहीं है। तंत्र मतलब पूरा क्लियर है, पूरा साफ है कि ज्ञान मिलने ही तंत्र है। और शिव जी जो बताते हैं, शिव जी यूनिवर्सल गुरु है, जो जगत गुरु बोलता है ना वो शिव जी है। शिव जी हर एक चीज को क्लियर किया हुआ है, वो हर एक उपनिषद हर एक पुराण में उसको क्लियर किया है, तो उसी को हम लोग तंत्र मान के चलना है। और तंत्र मतलब एवरीथिंग है, खाली वो क्रियाएं नहीं है, सभी चीजों को तंत्र उसको सम्मिलित करता है। तो तंत्र मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है, तो ज्ञान का उपलब्धि मतलब तंत्र जानना है, और उसका प्रैक्टिस का विभिन्न प्रकार के नियम है। जैसे यहाँ पे जो माँ का जो होता है वो बामासार से होता है, पंचमकार के साथ बामासार से प्रयोग से वो तंत्र, वो सबसे बढ़िया कलियुग में सबसे बढ़िया जो तंत्र का जो वो पद्धति है वो यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे करता है। तो ये सबसे निर्मल जगह है, सबसे प्रसिद्ध जगह, सबसे अच्छा जगह है जहाँ पर आप तंत्र का प्रैक्टिस कर सकता है, जहाँ पर 10 मिनट बैठ के आपको हजारों साल का पुराना इतिहास आपको मन में आ जाता है, ऐसा प्लेस है। तो बहुत बड़ा शक्ति भी है। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया, इतनी चीज़ें बताई इतिहास के बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में, जो कि हम लोगों को पता भी नहीं थी। हमारा भी सौभाग्य है कि हम लोगों में वो जो मेन जो चीज़ है उसको लेके आए, और सबसे बड़ा हमारा ये ड्यूटी भी है। ठीक है पंडित, धन्यवाद पंडित जी। तो गाइस अभी हम चलते हैं मंदिर में। मंदिर के अंदर यार कैमरा अलाउड नहीं है, मैंने दर्शन तो कर लिए मंदिर में, मैं आपको बाहर से दर्शन करवाता हूँ मंदिर के, क्योंकि अंदर बिल्कुल कैमरा अलाउड नहीं है, मना करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप ये बकरियां वगैरह भेड़े वगैरह देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि जैसे किसी की मन्नत पूरी होती होगी तो शायद यहाँ पे चढ़ा के जाते होंगे लोग, मतलब कि जो श्रद्धालु हैं, तभी यहाँ पे ये इतनी सारी बकरियां बांधी हुई हैं, ये बकरी के बच्चे हैं, तो यहाँ पे चढ़ाते होंगे किसी की मन्नत पूरी होती होगी तो।
गाइस अभी हम चलते हैं सीधा होटल। एक बार होटल पहुंच के और मोटू पतलू को फोन करते हैं, पूछते हैं यार कहाँ रह गए हैं। और तब तक यार मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि आज हमें शिलोंग पहुंचना है। चलते हैं हम सीधा होटल। तो गाइस रास्ते में मुझे मिल गया है खीरे वाला, तो खीरा तो वैसे ही मेरा फेवरेट है। अभी लेंगे खीरा और उसको फिर खाते हैं। खाते खाते जाते हैं हम अपने होटल में। मसाला हल्का ही रखना। चलो तो गाइस खीरा खाते खाते वॉक करते करते और मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं मेरा होटल कितनी पास है मंदिर के। मुश्किल से 5 मिनट भी लगे होंगे। तो करते हैं अपने खीरा फिनिश और फिर चलते हैं सीधा रूम में। तो अभी चलते हैं हम सीधा अपने रूम में। रूम नंबर है 901। तो ये है भाई अपना रूम, रात को मैंने दिखा दिया था।